हेलो दोस्तों, तो आज हम एक वॉल हैंगिंग डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसको डिज़ाइन बनाने के लिए हमारे पास है ये एक प्लास्टिक कार्डबोर्ड है कुछ इस तरीके से, और इसके ऊपर जो मैंने ये चिपकाया हुआ है ना, ये मैंने फेविकोल से चिपकाया है या वाइट ग्लू से, आप दोनों किसी भी से भी आप चिपका सकते हो। तो ये है बुकरम शीट, तो आप इसको चिपका लें। और हमें एक ज़रूरत होगी वाल पुट्टी की, जो कि मैंने इसका डो तैयार कर दिया है ऑलरेडी, इसमें मेरे वीडियो बनी हुई है कि आपने किस तरीके से इसको तैयार करना है। तो ये वाल पुट्टी और एक ये रिबन आप देख सकते हो ये वाला, और ये मैंने प्रिंट किया हुआ है गूगल से डाउनलोड करके मैंने प्रिंट कर दिया था। और अब हम इसको ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ना क्योंकि हम दोबारा फिर इसको यूज़ कर सकें। तो मैं इस रिबन के साथ इसका एक फोटो स्टेट निकालूंगा इसके ऊपर। तो चलो मैं निकाल के फिर दिखाता हूँ। फाइनली ये बन के तैयार हो चुका है, लेकिन अब इसकी इसमें कमी है, वो है तितली की बटरफ्लाई। तो हम इस साइड और इस साइड दो बटरफ्लाई बनाएंगे, तो वो हम अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे, जिस शेप का बनाना है वो हम बना लेंगे। ओके, उसके बाद हमें ज़रूरत है परमानेंट मार्कर की, तो ये परमानेंट है और हम इसको पूरा ड्रा करके फिर दिखाते हैं। तो फाइनली मैंने इसको इस तरीके से आउटलाइन कर दिया है, और इधर मैंने बटरफ्लाई बना दिया था लेकिन वो कुछ अजीब सी दिख रही थी, तो फिर मैंने उसको रिमूव कर दिया दोबारा से। और हम फिर बाद में जब इसका पूरा 3D लुकिंग बनाएंगे तो उसके बाद हम इधर बनाएंगे, क्योंकि इधर बहुत सारी चीज़ें हम बनाएंगे। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, और पहले इसका हम बैकग्राउंड इसको कवर करेंगे ताकि इसमें थोड़ा अच्छा सा लुक आए, फिर बाद में इसका अंदर वाला हिस्सा करेंगे। तो हम लेयर बाय लेयर करेंगे, जब सूख जाएगा तो फिर नेक्स्ट हम दोबारा से फिर इस पर काम करेंगे, तो इस पर बहुत सारा टाइम भी लग सकता है। तो ये वाली पुट्टी है, आप इसको घर में अच्छी इजीली तैयार कर सकते हो। इस पर ऑलरेडी मेरी वीडियो है, उसका लिंक मैं बायो में दे दूँगा, तो आप दे सकते हो डिस्क्रिप्शन में। तो ये कुछ इस टाइप की है, और ये बहुत अच्छी क्वालिटी की भी है, तो कुछ इस टाइप इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। तो ये हमने पहला जो लेयर था हमने इसको मुकम्मल कर दिया, और ये हमने किस तरीके से किया, इस टूल को यूज़ करके हमने कर दिया ये वाला। तो आपके पास जो भी टूल्स हो आप उसकी मदद से कर सकते हैं। ये एक टूल मेरे पास पड़ा था, फिर डिजाइन हमने बना दिया। और पहले आपने इधर ग्लू लगाना है, फिर आपने इसको वॉल पुट्टी को रोल करके फिर इधर लगाना है, और फिर बाद में इसी से आप कर दोगे, ईजिली हो जाएगा। तो फाइनली इसको कंप्लीट कर लिया है पूरा चारों साइड, अब इसकी बारी है। तो पहले हम ये वाला बनाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि पूरा 3D लुक दे इसको। तो चलो स्टार्ट कर। और हमने पहले ये वाला हिस्सा बनाना है, ये नीचे वाला जो कि इस साइड पे आ रहा है, तो ये थोड़ा इस साइड से बनाएंगे, और फिर ये 3 लीफ जो है ना, ये हम फिर बाद में बनाएंगे ताकि इसका थोड़ा लुक सही आ जाए और हमें पता चले कि ये किस तरीके से बन रहा है। पहले ये 1, 2, 3, 4 इंच कुछ इस साइड से है ना, ये पहले बनाएंगे फिर बाद में ये 3 बनाएंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमने ये वाला पार्ट कर दिया है, अब दोबारा से हम ऊपर वाला पार्ट करेंगे, लेकिन इसमें कुछ और टाइप करेंगे। तो फाइनली इतना काम हो चुका है ये वाला इस साइड का, और अब हम इसका ये वाला पार्ट कर देंगे। तो पहले से मैंने इसको मैं बना चुका हूँ, और इधर इसको लगा के, और इसका जो वाला ये वाला एरिया है हम इसको काट के, माय गॉडनेस, इस तरीके से तो इसको काट के ये खुद बहुत चिपक जाएगा, क्योंकि इधर हमने ग्लू लगाई है पहले से। तो ये वाला पार्ट भी खत्म।